सरकार में थे उन्होंने इतनी नाइंसाफी की कि जहां जहां कब्रिस्तान दिया देख के दिया कि मुसलमान इस कब्रिस्तान को कभी बना नहीं पाए। सीआरजेड में दिया, नो डेवलपमेंट जोन में दिया, डंपिंग ग्राउंड के बाजू में दिया, ऐसी जगहों पे दिया मुंबई में कि जहां पर कब्रिस्तान का काम करना बहुत मुश्किल हो जाए। 91 से यहां कोशिश चल रही थी अलग अलग नेताओं ने यहां आके यहां पर नारियल फोड़े ये कह के कि यहां पर कब्रिस्तान का काम होगा, लेकिन 91 से लेके 2009 तक यहां पर कुछ नहीं हुआ। और मुझे वो दिन याद है, मैं नगर सेवक भी नहीं था, 2009 में आसिम भाई चुन के आए, गोविंदी ने बहुत बड़ी तादाद में वोट देकर जनाब अबू आसिम आजमी को अपना आमदार बनाया। तब आसिम भाई के साथ में जुड़ा, काम करना शुरू किया, तो इसी कब्रिस्तान में पहली बार आया था। बीएमसी की तरफ से यहां पर सिर्फ 80-90 लाख का एक टेंडर किया गया था आसिम भाई, जिसमें चार दीवारें भी ठीक से नहीं बनाई जा सकती थी। और तब जब लोग नुमाइंदगी यहां पर करते थे उन्होंने कमीशन के नाम पे पूरा टेंडर खा चुके थे, और ये मैं हकीकत आज बोल रहा हूं आपके सामने। उसके बाद पहली बार आसिम भाई का नुमाइंदा बन के मैं और ग्यासु भाई आप हो ना, हम लोग असीम गुप्ता एक एडिशनल कमिश्नर थे उनके पास, आसिम भाई के नुमाइंदे बनकर इनके हुक्म पर गए कि रफीनगर कब्रिस्तान का काम चालू करना है हमको। तब बीएमसी ने हमको बताया कि आप सीआरजेड में हो, इस कब्रिस्तान का काम नहीं शुरू हो सकता। आसिम भाई ने मुझे यहां लाया, मेरे साथ रफीक भाई रूजापा आज नहीं है लेकिन वो हम सब 2012 में चुन के आए। और मुझे याद है आसिम भाई ने सबसे पहला हुक्म ये दिया कि तमाम चीजें गोवंडी की होनी चाहिए, उसमें सबसे पहले रफीनगर कब्रिस्तान का काम होना चाहिए। और नाज होना चाहिए हम लोगों को इस बात को कि आसिम भाई ने कभी ये नहीं कहा कि रफीनगर कब्रिस्तान नहीं बनेगा, उन्होंने हमेशा कहा कि इंशाअल्लाह ताला रफीनगर कब्रिस्तान जरूर बनेगा। तब हम लोगों ने यहां पर टेंडर का प्रोसीजर चालू किया, बीएमसी वालों को कहा कि यहां के आमदार अबू आसिम आजमी साहब है, सीआरजेड बीआरजेड वो नहीं देखते, इंशाअल्लाह ताला सीआरजेड की परमिशन अगर कोई लाएगा तो आसिम भाई लेके आए। और आप लोगों को इस बात पे नाज होना चाहिए जो ताकत आपने समाजवादी पार्टी को दी है, समाजवादी पार्टी के नगर सेवक तब भी हम लोगों ने सीआरजेड की एनओसी नहीं होने के बाद भी 7.5 करोड़ का यहां पर टेंडर करवा दिया। बहुत लड़ाई लड़ी, अरे आप अगर फाइलों में जाके देखेंगे तो 2009 से आपको मिलेगा, आप पन्ने पलटोगे तो एक ही नाम दिखेगा आपको, अबू आसिम आजमी और अबू आसिम आजमी। इतनी मेहनत, इतनी जिद्दोजहद इसके लिए हुई। उसके बाद हमने काम शुरू किया, पहला शेड बनाने की कोशिश की, सीआरजेड वाले आ गए, बोले यहां पर आप शेड नहीं बना सकते, आप यहां पर ये वजूखाना ऑफिस नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ कबर की मार्किंग कर सकते। तब मैं आसिम भाई के पास गया, 2-3 मीटिंग कमिश्नर कलेक्टर के लेवल पे हुई, मामला हल नहीं हो रहा था। तो 2014 में मुझे याद है कि 14 की एंड में कहीं आसिम भाई बड़े गुस्से में आए, कह रहे नहीं आज तो इसको मैं करके रहूंगा। पूरे बीएमसी के अफसरान, कलेक्टर, सीआरजेड, अलग अलग महकमे के लोग, मुझे याद है विनोद तावड़े के घर पे हम लोग मीटिंग किए, 2014-15 की बात होगी, नई नई सरकार आई थी लेकिन आसिम भाई के दबाव में थे उन लोग। तब विनोद तावड़े ने यह कहा कि कब्रिस्तान जरूरी है, सीआरजेड की परमिशन आप दीजिए, ऑफिस और वजूखाने की परमिशन दीजिए, बाकी अबू आसिम आजमी सब देख लें। और उसके बाद जब हम यहां काम शुरू करने गए, बताइए गोवंडी और रफीनगर के लोगों, इस यहां पर कितना कूड़ा कचरा था, टन के हिसाब से यहां पे कचरा कूड़ा निकाला गया, या पूरा 4 एकड़ की जमीन पूरी साफ की गई, बाउंड्री बनाई गई, और इतना इलीगल डंपिंग होता था कि यहां आपने 4 ट्रक निकाला तो 4 ट्रक दूसरे दिन आ गया, होता है कि नहीं, आप लोग गवाओ कि नहीं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां पर आसिम भाई और उनकी टीम नहीं होती तो यह कब्रिस्तान बनाना बहुत मुश्किल होता। अल्लाह का करम है हम लोगों पर कि हम लोगों की नीयत दुरुस्त है, और नीयत जब दुरुस्त होती है ना तो नतीजे अच्छे होते हैं। वो बेशरम लोग
जिनको अल्लाह ने मौका दिया था, जो यहाँ के आमदार थे, अपने 5 साल में एक ईद नहीं रख सके, वो आसिम भाई का काम देखने आ रहे हैं। अरे बेशर्मो, तुमको अल्लाह ने तौफीक नहीं दी, ये कब्रिस्तान का काम होना था तो अबू आसिम आजमी साहब के जरिए हो रहा था। उसके बाद भी दिक्कतें बड़ी आई, और भी छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन यहाँ खड़ा हुआ एक एक शख्स अबू आसिम आजमी साहब के परिवार का शख्स है। मैं तो वो उम्मीद कर रहा था कि वो 10-15 लोग जो सियासत कब्रिस्तान के नाम पे कर रहे थे, मैं उनसे भी कहूंगा कि गोविंदी एक परिवार है, रवि नगर, शिवाजी नगर, बैंगनवाड़ी, हम सब एक परिवार है, और इस परिवार को एक होकर जब भी कोई काम करे मुट्ठी की तरह बनकर काम पूरा कंप्लीट करना चाहिए। आपने देखा, मैं उस हर वर्कर को, समाजवादी पार्टी का हो, आसिम भाई को चाहने वाला हो, गोल्डी का शख्स हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब मैं यहाँ पर आसिम भाई विजिट करने आता था, लोग अपने हाथों से पत्थर उठाते थे इस उम्मीद पे कि अल्लाह इसका अजर हमको देगा। इस नियत से यह काम हुई है, हर कोई यहाँ पर जुड़ा हुआ, मैं हर आसिम भाई के साथी को आज शुक्रिया अदा करता हूँ, सलाम करता हूँ कि आपकी मेहनतों से आज रफीनगर कब्रिस्तान पूरी तरह से बन गया। आने वाले दिनों में भी बहुत काम है, लेकिन वो लोग जो आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिनको सरकार से काम कराने आता है, इंशाल्लाह ताला बकिया काम भी अच्छे से हम लोग करा देंगे। आज ये कब्रिस्तान शुरू हो रहा है, मुझे अभी एक चिट्ठी आई आसिम भाई के, शिवाजी नगर में प्लॉट नंबर शायद 1 में ही ना एक इंतकाल हुआ है, और यहाँ पर दफन होगी ये बॉडी, ये पहली बॉडी होगी। अल्लाह सबको सेहत दे, यहाँ आने की नौबत ना आए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो जिम्मेदारियां आपने आसिम भाई को दी है, मैं आपको वादा करता हूँ आसिम भाई दूसरों से नहीं, पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में सबसे अच्छी तरीके से निभाएंगे यहाँ पर। और आने के बाद यहाँ पर शिवाजी नगर बैंगनवाड़ी के लोग आएंगे, आपने देखा सड़क भी बन गई, कल वहां पे झाड़ लगेंगे, यहाँ भी झाड़ लगेंगे। रफी नगर वालों से गुजारिश है, उलमाए किराम यहाँ हैं, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि इसका देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए कब्रिस्तान है, यहां हम सबको एक दिन आना है, आपकी मिल्कियत है, ये कोई देखभाल नहीं करेगा, ये बीएमसी पूरा इंतजाम यहां पर कर रही है, पानी का इंतजाम, कब्र खोदने वालों का इंतजाम। अल्हम्दुलिल्लाह रफी नगर कब्रिस्तान उन कब्रिस्तानों में से है जहां 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, अबू आसिम आजमी साहब ने सब इंतजाम यहां पर किया हुआ है। यहाँ बरगे भी रखे जाएंगे कल से, लेकिन इसके बाद बरगे आ भी गए अभी, इसके बाद आप सबसे गुजारिश है तमाम जिम्मेदारों से कि यहाँ का एक पत्थर भी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक शख्स का नहीं, ये आप सबका है, यहाँ का हर पेड़ आप सबका है, ये दीवारें आपकी हैं, इसको पूरी तरह से निजाम आपको रखना है। खास तौर से मैं माँ बाप से कहूंगा कि आप लोग इसको बच्चों को खेलने की जगह मत बनाइए, आप जानते हैं कब्रिस्तान है, उलमाए किराम आपको बताएंगे कि यहाँ पर अगर हम चलेंगे तो कितना गुना है, यहाँ की कोई चीज को हम तोड़ेंगे तो कितना गुना है। तो आपसे गुजारिश है कि इसका पूरा ख्याल आप रखिए। एक बार फिर मैं तमाम लोगों का, खास तौर से उन तमाम साथियों का, बहुत सारे लोग हैं दिन रात जिन्होंने काम किया, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए, और आज उन तमाम लोगों के लिए दुआ कीजिए कि जिनको अल्लाह ने तौफीक दिया, और आसिम भाई के लिए दुआ कीजिए कि इसी तरह से गोविंदी के हर मसले को जैसे वो हल करते रहे, आगे भी करते रहे, अल्लाह उनको सेहत दे, और आने वाले दिनों में भी गोविंदी में हमेशा अबू आसिम आजमी साहब आमदार बन के काम करे, यही दुआ मैं करता हूँ, और आगे भी लोग बोलेंगे। बस मेरी दुआ, मेरी गुजारिश याद रखना कि रफी नगर कब्रिस्तान आपका है, इसकी हिफाजत आपकी है, बड़ी मेहनत है इसमें आसिम भाई की, पूरी टीम की, आगे भी हम इसी तरह से काम करेंगे, यही गुजारिश के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।